जी करण सिंह जी के बाद में विमलेश कुमारी तैयार रहे सब। श्री राधे। देखिए सज्जनों, धर्मा धर्मा जी बैठ जाओ। हाँ, देखिए एक बार सब मिलकर जयकारा बोलेंगे। बोलिए जीवनदास बाबा की। देखिए सज्जनों, एक कवित्व और कवि ने बताया है भैया गुड्डू किस तरीके से के सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख रहत गणेश हर पांच दे करे सो ब्रह्मा विष्णु और बताया है के भाई राग वही जम राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे पति संग जले और पुत्र वही जो पिता के और बताया के सूर वही जो रण से चले और पुत्र वही जो पिता के और बताया के सूर वही जोड़न से नाटे और भैया वही जो बाहों कहे को मतलब के यार अनेक बने पर यार वही एक विपत्ति। सज्जनों देखिए जिकड़ी का प्रोग्राम और शुद्ध जिकड़ी जो जिकड़ी की माँ होती है जिकड़ी की जननी होती है वो है साकी। भैया साकी किस तरीके से बताई गुड्डू हरे एक दिन
हाँ देखिए इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार धर्मा जी देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। सज्जनों देखिए चिकड़ी का प्रोग्राम और चिकड़ी शुद्ध सुनिए, जिस समय पांडवों के लिए वनवास मिल जाता है, इधर को पांचों पांडव और छठवीं द्रौपदी वन में रहने लगे। क्या हुआ? पांडव वन में रहे, के पांडव वन में रहे, संग में द्रौपदी राजकुमारी है और लाल बरने के फूल कमल को गिरो गगन से, के फूल उठा, के फूल उठा, द्रौपदी ने लिया और भीम ते गिरा उतारिए है, और इच्छा पूर्ण करो प्राण पत्र में लेना सुबन सुपारी। ये वचन द्रौपदी ने भीमसेन से कहे कि प्राणनाथ मेरे लिए ऐसा ही फूल एक दूसरा चाहिए। सज्जनों ये वचन भीमसेन का दादाधारी ने सुने, क्या कहने लगा कि भीमसेन चल दियो, क्या भीमसेन चल दियो, हाथ में गदा संभारी, इकलो बनकू जाए सुमर लिए कृष्ण मुरारी। पहुंचो वन में जाए, के पहुंचो वन में जाए, अरे शोभा देखी विपद की रही नागपनी, के लग रही लगन, के लग रही लगन फूल लेने की, धर गदा वो कोदर। सज्जनों भीमसेन एक केला के वन में आ जाता है, हर केला के वन में आकर के भीमसेन पर रास्ता पास नहीं होता है, तो देखिए किस तरीके से अपनी गदा की जोर से रास्ता पास करने लगा भैया। हाँ जी, ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा साहब महेंद्र सिंह देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। केंद्र चली गई पानी में, केंद्र
पानी ले ले सरवर खायो को भीम के आगे चलो न जाए के आगे चलो न जाए क्रोध में उछाए गदा कर धारी और दई मारा मार मचाए विपन में 50 रुपए राजेश जी देते उनके लिए बार बार धन्यवाद देते के जबरन प्रक्षु खार के जबरन प्रक्षु खार जबी पे डार अगहरी थाया और छोटा सा रास्ता देख भीम भीमसेन के लिए एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है। देखिए भीमसेन जैसे आगे बढ़ना लगा रास्ते में क्या हुआ कि इधर को हनुमान जी अपनी पूंछ को फैलाकर बैठ जाते हैं और हनुमान जी सोचने लगे कि आज भीमसेन फूल लेने आ रहा है, देखना चाहिए भीम में कि कितना बल है और कितना कदर है। जैसे भीम आगे को बढ़ा तो क्या देख रहा है भैया, जैसे भीम आगे को बढ़ने लगा के एक बानर सो मत पायो, के एक बानर सो मत पायो भीमाने बचने के सोएगो रास्ता में अन्हाई। अरे बानर के सोएगो रास्ता में अन्हाई, बानर तो ये शरम नाए। इस तरीके से भीम से ने जवाब दिया। 50 रुपए का पुरस्कार मुकेश जी देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। लेकिन सजनों,
हनुमान जी ने कोई भीमसेन के लिए जवाब नहीं दिया। गुस्सा में आकर के वो भीमसेन जिनके 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर गुस्सा में आकर के और हनुमान जी से क्या जवाब दे रहा है भैया। हाँ जी, पांच मिनट शेष। ₹50 का पुरस्कार सत्तो जी देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और मिनट रह गए सज्जनों 3। अब सुनिए एक गाना छोटा सा, जैसा भजन वैसा ही गाना। मेरा प्रसंग महाभारत से चल रहा है और महाभारत का गाना, इधर को ध्यान लगाएं कि चक्र के अंदर अर्जुन का पुत्र मनु खत्म हो जाता है। ये सूचना ये मालूम किसके लिए मिली? उत्तरा के लिए मिली। उत्तरा रोने लगी, बिलाप करने लगी कि मेरा पति चक्र के अंदर खत्म हो गया है। सज्जनों, अर्जुन के पास में आ गई और धार मार के रोने लगी और क्या कहने लगी अर्जुन से, भैया क्या कहा? धर्मा जी, इसको ध्यान दे, हमारा बैठे ना कार्य।
कहियो सत्यानाथ दोण गुरु। हाँ जी, ये 50 रुपए का पुरस्कार राम करनी देते हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। क्या कहा? कहियो सत्यानाथ दोण गुरु विद्वान शादी बारी उम्र में हो गई सज्जनों।